तो वहीं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खरीफ की फसल पर एमएसपी बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ सूबे के कांग्रेस सरकार के मंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार के फैसले में खामियां गिनाई है, तो वहीं सूबे के बीजेपी ने पीएम के कदम को सराहनीय बताया है, के साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और पूर्व मंत्री राजेश मूणत आमने सामने आए हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। उनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस में प्रति क्विंटल, मैं विद्वानों की बात कल सुन रहा था, सब लोगों ने कहा कि महंगाई की बढ़ी हुई दरों के अनुपात में ये 30-32% ही है। अगर महंगाई के अनुपात में बराबर भी करते तो 72 रुपया के बजाय ये 210 रुपया कम से कम होता, तब किसानों को बढ़ी हुई महंगाई के बराबर मिनिमम सपोर्ट प्राइस माना जाता। मैं 2-3 दिन से लगातार आप सबसे चर्चा कर रहा था कि प्रति एकड़ खरीफ, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम जो धान का फसल लेते हैं उसमें मिनिमम 10 घंटे ट्रैक्टर का उपयोग होता है। जो ज्यादा मेहनत कस किसान हैं, जो लाइन सोइंग करते हैं, लाइन से रोपा लगाने का काम करते हैं, बहुत ज्यादा खेती में फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, उनके लिए तो और अतिरिक्त हो सकता है। छत्तीसगढ़ की जनता को जो लाभ मिलेगा, मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज 78 रुपए के ऊपर भी बढ़कर के एमएसपी आएगी, कहीं ना कहीं जाकर के छत्तीसगढ़ की किसान के खाते में आज इसकी वृद्धि होगी, और उसका एक लाभ है कि धीरे धीरे हम किसान भाइयों को जो सब्सिडी, एक ही चीज में नहीं, आज खाद्यान्न की अगर बातचीत करूं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे को उर्वरक के अंदर जो सब्सिडी की बातचीत थी प्रधानमंत्री जी ने, उसके अंदर भी सब्सिडी दे करके किसान को लाभ पहुंचाया। ओवरऑल किसान को लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र सरकार का संकल्पित होकर के अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ सरकार कहती है, छत्तीसगढ़ सरकार क्या दे रही है, अलग से घोषणा करे छत्तीसगढ़ सरकार, जो पहले घोषणा कर चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि राज्य में सरकार बनने के उपरांत तत्काल उनको जो 2 साल का बोनस बाकी हम देंगे 2500 रुपए, आप समर्थन मूल्य की बातचीत करते हो, आप राजीव न्याय योजना के पैसा, अरे इस साल का जो धान खरीदा लोगों को उसका भी पैसा अभी तक नहीं मिला, तो जरा वो पैसा तो दे दे, उसके बाद में बात करें।